मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उमर तीन मामलों में फरार चल रहा था। ये मामले हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। बुधवार 8 नवंबर को चुनाव आचार संहिता के तीन अलग अलग मामलों में उमर अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि इन तीन मामलों में उमर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी रखा था। मऊ जिले के कोतवाली नगर थाने के एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर 4 मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को भाषण देते हुए ये कहा गया था कि चुनाव के बाद मऊ प्रशासन से हिसाब लिया जाएगा। दूसरे मामले में 27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति के रोड शो निकालने का है। विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह सपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के रोड शो निकाला। इसमें 100-150 की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस ने तब मामले की एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के साथ ही कुछ और लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। जानकारी हो कि इस मामले में भी उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी है। उमर के खिलाफ तीसरा मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। उस पर 12 फरवरी 2022 को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।